वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर बनती है और क्या इसका यूज़ होता है, क्या इसकी एप्लीकेशन होती है। इजी सा टॉपिक है। अब हम कहाँ ऐसे ऐसे टॉपिक्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बार बार फिर कमेंट आते हैं, सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दो इस पर। कोई बात नहीं, बहुत ईजी सा टॉपिक है। देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो एक बात बताता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ओके, मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये एक एंटीजन है। दिस इज एन एंटीजन। एंटीजन कोई भी हो सकता है, ये कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, एनीथिंग। ओके, और इस एंटीजन के ऊपर एपिटोप प्रेजेंट है। मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट एपिटोप, हियर इज सेकेंड एपिटोप, ये हो गया थर्ड एपिटोप, और एक और बना लेते हैं। कितने भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे कि इतने ही होंगे। ओके, एंड दिस इज फोर्थ एपिटोप। सो एक एंटीजन के ऊपर मैंने आपको दिखाए हैं चार एपिटोप। स्टूडेंट्स, एपिटोप वो स्ट्रक्चर है, जब ये एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो एंटीबॉडी जो बनती है वो इस एपिटोप के साथ ही बाइंड होती है, वो इस एपिटोप को ही पकड़ती है। एंटीजन को नहीं पकड़ती है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी पकड़ती है एपिटोप को। ओके, तो एक एंटीजन हमने दिखाया जिसके पास में टोटल फोर एपिटोप है। अब मान लीजिए दिस इज योर बॉडी, ओके, और ये एंटीजन जो भी पैथोजन वगैरह है ये आपकी बॉडी के अंदर चला गया। अब बॉडी के अंदर जाने के बाद में क्या होगा, जैसे ही ये एंटर करेगा, मान लीजिए यहाँ पे बनाते हैं फिर से, ये एंटीजन है और इसके पास में देर आर फोर डिफरेंट एपिटोप्स। अब हमारी शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो बी सेल्स हैं वो इनको पकड़ लेगी, इनके साथ अटैच हो जाएगी। तो मान लीजिए दिस इज वन बी सेल, सॉरी दिस इज वन बी सेल, और ये है बी सेल रिसेप्टर। ओके, दिस इज बी सेल रिसेप्टर। तो जो बी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनकी जो शेप होती है बड़ी स्पेसिफिक होती है, ठीक है। अब मान लो कि ये वाला, देखो आपको समझ में आ रहा है कि इसी के साथ फिट बैठता है, यानी कि ये बी सेल ना इसके साथ बाउंड हो सकती है, ना इसके साथ, ना इसके साथ, ये सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ में अटैच हो सकती है। वैसे ही यहाँ पे एक बी सेल बना देते हैं और उसने, उसका जो बी सेल का जो रिसेप्टर है बी सी आर जो है वो इस एपिटोप के साथ अटैच हो गया। अब देखो इसकी शेप, देखो इसी के साथ लॉक हो रही है, यानी कि ये बी सेल किसी और के साथ अटैच नहीं होगी। ये एक बी सेल है एंड हियर इज द बी सेल रिसेप्टर, और इसी टाइप से यहां पे लाइक दिस। ओके, तो इस एंटीजन को चारों तरफ से बी सेल ने क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है। और जैसे ही इसको लॉक कर देंगी तो बी सेल अब डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। बी सेल क्या करेगी, डिफरेंशिएशन, ये सारी की सारी बी सेल दे विल स्टार्ट टू डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब होता है एक खास स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगी, और उसके बाद में ये दो तरह की सेल बनाएंगी, एक होगी प्लाज्मा सेल्स, क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स, एक होगी प्लाज्मा सेल्स और दूसरी होगी मेमोरी सेल्स। वेल, मेमोरी सेल्स जो होती है फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए होती है, जब सेम एंटीजन आपके बॉडी में दोबारा से एंटर करता है। अभी हम सिर्फ बात करेंगे प्लाज्मा सेल्स की। तो मान लीजिए ये वाली बी सेल है, मान लीजिए दिस इज नंबर वन बी सेल, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये वाली बी सेल है तो इसने ये प्लाज्मा सेल बनाई, यहां पर मैं दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी प्लाज्मा सेल्स बना ली, इसको हम बोल देते हैं जो फर्स्ट से बनी है इसको बोल देते हैं क्लोन
नंबर वन, देर आर मैनी प्लाज्मा सेल्स जिनको हमने बोल दिया क्लोन नंबर वन, क्योंकि ये फर्स्ट इस वाली बी सेल से बनी है। अब जो इस बी सेल से बनेगी उसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं, जैसे हमने एपिटोप दिखाया था येलो से उसी से दिखा देते हैं। तो ये हो गई सेकंड वाली बी सेल से जो प्लाज्मा सेल बनी है, उनको बोल देते हैं हम क्लोन टू। ओके, एंड थर्ड वाली से ये वाली बन गई, दिस इज क्लोन थ्री, और ये बन गई हमारी फोर्थ वाली बी सेल से, तो इनको बोल दिया हमने क्लोन फोर। तो अलग अलग बी सेल से अलग अलग तरह की प्लाज्मा सेल बन रही है। फर्स्ट वाली से जो बनी उसको बोल दिया क्लोन वन, सेकंड से बनी क्लोन टू, थर्ड से बनी क्लोन थ्री बोथ प्लाज्मा सेल्स, और फोर्थ से बनी क्लोन फोर प्लाज्मा सेल्स। अलग अलग टाइप के क्लोन्स बन गए स्टूडेंट्स, ऑल क्लोन्स आर प्लाज्मा सेल्स, ऑल क्लोन्स आर प्लाज्मा सेल्स। इन सभी को हम इकट्ठा बोल देते हैं पोली क्लोन्स, इन सभी को इकट्ठा हम क्या बोल देते हैं पोली क्लोन्स। अब ये पोली क्लोन क्या करेंगे, ये पोली क्लोन सिक्रेट करेंगे, प्लाज्मा सेल का काम होता है एंटीबॉडी सिक्रेट करना, प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है एंटीबॉडी सिक्रेट करना। तो क्लोन वन से जो एंटीबॉडी बनेगी, देखो क्लोन वन किससे बना है, बी इस वाली बी सेल से, यानी कि इस क्लोन वन से जो भी एंटीबॉडी बनेगी वो इस तरह के इस वाले एपिटोप को टारगेट करेगी। ओके, तो मैं यहां पे दिखाता हूं, लाइक दिस। ओके, इस तरह की एंटीबॉडी बन गई है। वैसे ही क्लोन टू से बनेगी, उनको दिखा देते हैं, अगर आपको एंटीबॉडी के बारे में स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं पता तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में मेरी बहुत डिटेल्ड वीडियो, तीन चार वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, इम्यूनोलॉजी की सीरीज में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ओके, यहां से बन गई एंटीबॉडी नंबर थ्री, और इससे भी बना देते हैं, ये लीजिए। ओके, तो यहां पे देखो अलग अलग क्लोन से अलग अलग तरह की एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि ये वाली जो एंटीबॉडी है वो सिर्फ इस एपिटोप को टारगेट करेगी, ये वाली जो एंटीबॉडी है वो सिर्फ इस वाले एपिटोप को टारगेट करेगी, ये चीज ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे सर टारगेट कैसे करेगी, ये तो ऑलरेडी लॉक है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर सिंपल सा है, बॉडी के अंदर हमारे शरीर में जब भी कोई एंटीजन एंटर करता है तो ऐसा नहीं होता कि वो एक ही होता है, हजारों लाखों की संख्या में होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे एंटीजन और भी तो होंगे ना, तो मान लीजिए एक और एंटीजन हम दिखाते हैं ताकि आपको ये समझ में आए, और उसके ऊपर हम ये अलग अलग तरह के एपिटोप बना देते हैं। ये लीजिए, एंड वन मोर। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एंटीजन शरीर में आ चुके हैं। अब देखो पहले इस चीज को समझते हैं, यहां पे कि अलग अलग क्लोन से अलग अलग तरह की एंटीबॉडी बनी है, तो इन सभी अगर हम इन सभी एंटीबॉडीज को एक नाम देना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट क्लोन से बनी है तो हम इन सभी को इस मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज को बोलेंगे पोली क्लोनल एंटीबॉडीज। व्हाट वी कॉल देम, वी विल कॉल देम पोली क्लोनल एंटीबॉडीज, पोली क्लोनल एंटीबॉडीज, क्योंकि ये अलग अलग क्लोन से बनी है। लेकिन अब ध्यान से सुनना बात को, इनमें जो ये वाली है, अब देखो ये वाली सिर्फ इससे बनी है, ये जितनी भी एंटीबॉडीज होगी इस टाइप की वो सिर्फ क्लोन वन से बनी है, तो हम सिर्फ इनको क्या बोल सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, क्योंकि ये एक इसी क्लोन से बन रही है। ऐसी दिखने वाली जितनी भी होंगी उन सभी को हम क्या बोलेंगे
मोनोक्लोनल, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लोन से बन रही है और ये एक ही एपिटोप को टारगेट करेगी, इस वाले एपिटोप को टारगेट करेगी। तो ये आएगी और आ करके इस तरह के एपिटोप पे बाइंड हो जाएगी। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है, तो वैसे ही इसका फंडा है, इसको भी हम इंडिविजुअली क्या बोल सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। वैसे ये भी एक अलग तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और ये भी एक अलग तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ओके, ये सारी अलग अलग तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है क्योंकि ये अलग अलग एपिटोप को टारगेट करेंगी। तो ये अलग अलग जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है ये आएंगी और इनके ऊपर अपने स्ट्रक्चर स्पेसिफिसिटी के हिसाब से अटैक करेंगी यहाँ पे, लाइक दिस। ओके, ये देखो, ये जो थर्ड वाली है इस बी सेल से प्रोड्यूस हुई है, यानी कि इसके साथ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होगी, तो ये यहाँ पे इसको टारगेट करेगी और वैसे ही ये वाली। ओके, तो इस टाइप से एक एंटीजन को इन्होंने लॉक कर दिया है ताकि उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय किया जा सके। दैट मीन्स कि दिस मिक्सचर, अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज का जो ये मिक्सचर है, जो ये हेटरोजीनस मिक्सचर है, इसको बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। बट इनके अंदर जो एक क्लोन से प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडीज है उनको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ओके, तो स्टूडेंट्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की डेफिनेशन क्या बनती है? पॉलीक्लोनल बता दिया, मोनोक्लोनल बता दिया। अब मोनोक्लोनल की, पॉलीक्लोनल की डेफिनेशन तो हमने देख ली भाई, जो हेटरोजीनस मिक्सचर है एंटीबॉडीज का जो अलग अलग क्लोन से बन रहा है उनको बोलते हैं पॉलीक्लोनल। ठीक है, जो पॉलीक्लोन से बन रहा है। और मोनोक्लोनल क्या है? ऐसी एंटीबॉडी जो एक ही तरह के बी सेल क्लोन से या बी सेल प्लाज्मा सेल के क्लोन से बन रही है और जो एक ही स्पेसिफिक एपिटोप को टारगेट कर रही है। यानी कि ये वाली जो एंटीबॉडी है, मान लीजिए इसको मैं नंबर वन बोलूं, तो फर्स्ट वाली जो एंटीबॉडी है ये सिर्फ हर बार इसी एंटीजन के साथ में अटैच होगी। मान लीजिए कभी भी ये एंटीजन बॉडी के अंदर आएगा तो ये फर्स्ट वाली ही इसके साथ में अटैच होगी। ये फर्स्ट वाली कभी भी ना तो, एक मिनट, कलर का फंडा रहता है। ये देखो, ये फर्स्ट वाली हमेशा इसी के साथ अटैच होगी, ये कभी भी ना इसके साथ अटैच होगी ना इसके साथ अटैच होगी। दैट मीन्स ऐसी एंटीबॉडी जो सिर्फ एक एपिटोप के लिए स्पेसिफिक होती है, जो सिर्फ एक एंटीजेनिक एपिटोप के लिए स्पेसिफिक होती है बच्चों, उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ओके, तो इसको इरेज करता हूं, अब थोड़ा सा साफ सुथरा लिखता हूं। आप साथ के साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका नोट्स बनाने के लिए। तो डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों अब इसकी, ऐसी एंटीबॉडी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल्स और सिंपली यू कैन से प्लाज्मा सेल्स, क्योंकि प्लाज्मा सेल ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ओके, एंड विच इज, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आएगी, ये नोट करना है आपको, विच इज स्पेसिफिक फॉर अ सिंगल एंटीजेनिक एपिटोप, विच इज स्पेसिफिक फॉर अ सिंगल एंटीजेनिक एपिटोप। दिस इज वेरी वेरी आईएमपी। ओके, जो सिर्फ एक एंटीजेनिक एपिटोप को टारगेट करेगी वही होगी आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये काम क्या आती है, क्या ये कोई और काम भी आती है हमारे शरीर में? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी बन रही है और देखा जाए तो पॉलीक्लोनल भी बन रही है, दोनों तरह की बनती है हमारी बॉडी के अंदर। लैब के अंदर पॉलीक्लोनल को बनाना बहुत ईजी है क्योंकि मिक्सचर है, कुछ भी छंटनी नहीं करनी है, लेकिन मोनोक्लोनल को बनाने में दिक्कत होती है। ओके, कि हमें सेपरेट करना पड़ता है, अगर हमें अलग अलग को सेपरेट करना पड़े तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हेक्टिक होगा और महंगा पड़ता है।
तो सवाल ये होता है कि बनानी क्यों है भाई, लैब में हमें क्यों डिज़ाइन करनी है। तो रीज़न ये है कि हमें पता होना चाहिए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के यूजेस क्या क्या है, एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो चलिए मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे बताता हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। फर्स्ट एप्लीकेशन, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कुछ किट आती है जहां पे इनका यूज किया जाता है, टू चेक आउट प्रेगनेंसी। ओके, इसके अलावा अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को रेडियो एक्टिव कर दें तो उस रेडियो एक्टिव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की हेल्प से, रेडियो एक्टिव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की हेल्प से हम बॉडी के अंदर छुपे किसी ट्यूमर का पता कर सकते हैं। सो वी कैन यूज दीज रेडियो एक्टिव मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टू डिटेक्ट अ ट्यूमर इनसाइड आवर बॉडी, टू डिटेक्ट अ ट्यूमर, वेरी वेरी आईएमपी। ओके, और देखिए बच्चों, मान लीजिए स्नेक काट ले तो स्नेक ने अपना एंटीजन छोड़ दिया है। अब आप बोलोगे कि सर पंकज सर ने तो बताया हुआ है कि जब भी कोई एंटीजन जाता है तो एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो स्नेक ने काटा है एंटीजन गया है, स्नेक का जो जहर है वो भी तो एंटीजन ही है एक तरह का, उस पर भी तो एपिटोप है। तो आप बोलेंगे कि सर जरूरत ही क्या है कुछ और दवाई वगैरह लेने की, शरीर के अंदर एंटीबॉडीज तो बन ही जाएंगे और वो उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन बच्चों, एंटीबॉडीज़ को बनने में टाइम लगता है, और जब तक वो 2 से 7 दिन का जो टाइम होता है, जब तक आप वेट करोगे तब तक जो सांप का जो जहर होगा पूरी बॉडी में फैल चुका होगा और आपको पता है टाटा बाय बाय हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम वेट नहीं कर सकते हैं, इतनी हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि शरीर एंटीबॉडी बनाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रेडीमेड बना बनाया कुछ मिल जाए ताकि तुरंत उस जहर को न्यूट्रलाइज किया जा सके, उस वेनम को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो उसके लिए भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एज एंटी वेनम काम करती है। डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो डॉक्टर तुरंत जो इंजेक्शन लगाता है एंटी वेनम का, दैट इज नथिंग देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ही होते हैं। ओके, सो एंटी वेनम कहां पे यूज होता है, फॉर स्नेक बाइट। और देखिए स्टूडेंट्स, प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिए भाई, हाँ अगर बॉडी के अंदर ऑब्वियसली कोई माइक्रोब चला जाए उसके टेस्ट के लिए भी तो यूज़ होती है, कोई बैक्टीरिया वगैरह पैथोजन वगैरह चले गया, ब्लड टेस्ट करवाने जाओगे वहाँ पे भी इनका यूज़ किया जाता है। सो टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन, टू चेक अ माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन साइड आवर बॉडी फ्लूइड्स, इनका यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा लैब के अंदर और भी बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल एसेज होते हैं ड्रग्स के लिए, हॉर्मोन्स के लिए, उनमें भी इनको बहुत यूज किया जाता है। सो डिफरेंट इम्यूनोलॉजिकल एसे, ओके, फॉर ड्रग्स, हॉर्मोन्स, इन सब के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। तो इतने सारे जब यूज़ हैं इनके, इतने सारे जब इनके उपयोग है, तो हमें इनको लैब में बनाना ज़रूरी हो जाता है, हमें आना चाहिए इनको लैब में बनाना, तभी हम इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि लेबोरेटरी में यानी कि इन विट्रो कंडीशन में इनको कैसे बनाया जाता है। इन विट्रो का मतलब लैब में, इन वीवो, देखो बच्चों दो टर्म होती है, वन इज इन विट्रो, कुछ बच्चों को नहीं पता है उनके लिए इन विट्रो का मतलब लैब में बनाना, और एक होता है इन वीवो, इन वीवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर या टिश्यू के अंदर बनाना। ओके, ये डिफरेंस है, मैं लिख देता हूं यहां पे, कहां इसको हटाते हैं एक बार, इनसाइड द बॉडी। चलिए आप सीखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लैब में कैसे बनाई जाती हैं।